Defense Minister Rajnath Singh is speaking in Jammu and Kashmir. Let's go across. भारत ही नहीं, दुनिया के लोग आते हैं और इन वादियों का लुत्फ उठाते हैं। करोड़ों टूरिस्ट बराबर यहां आ रहे हैं और आज दुनिया में जम्मू कश्मीर अब टेररिस्ट स्पॉट नहीं रह गया है, बल्कि अब टूरिज्म का स्पॉट बन गया है यह जम्मू कश्मीर। सारी सुविधाएं जो हिंदुस्तान के हर क्षेत्र को मुहैया कराई जा रही है, वो सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुहैया कराई जा रही है। बॉर्डर के रहने वाले हमारे लोग लंबे समय से कितने पिछड़े हुए थे, जितना पिछली गवर्नमेंट को उन पर ध्यान देना चाहिए था उनकी माली हालत को सुधारने के लिए, उनके लिए अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, वह नहीं की जाती थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे जो भारत के बॉर्डर हैं अब वो अंतिम गांव नहीं होंगे भारत के, बल्कि भारत के पहले गांव होंगे। विकास होगा तो बॉर्डर पर रहने वाले हमारे गांवों का विकास होगा, यह हम लोगों ने सोचा। अब मैं आपको यह सब नहीं बतलाना चाहता कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, कितना काम किया है, लेकिन यह जानकारी आपको देना चाहता हूं 2019 के बाद हम लोगों ने 38,000 करोड़ रुपया 5 वर्षों के अंदर 38,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के विकास पर खर्च किया। धारा 370 हमले समाप्त किया तो पहले यहां के जवानों के हाथों में जहां पर पिस्टल और रिवाल्वर होती थी, बहनों भाइयों, हम लोगों की ख्वाहिश थी जम्मू कश्मीर के जवानों के हाथों में पिस्टल रिवाल्वर नहीं होनी चाहिए बल्कि कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए, वह भी मुहैया कराने का काम हम लोगों ने किया है। IIT और IIM बन रहे हैं यहां पर। 2022 के पहले 2022 के पहले पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, क्या कारण है 2022 के बाद 2022 के बाद एक भी पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हुई। फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है हम धारा 370 लाएंगे। कांग्रेस से भी मैं पूछना चाहता हूं क्या फिर से आप धारा 370 लाना चाहते हैं तो सीना ठोक कर बोलिए जी, कलेजा है तो कहां ले जाना चाहते हैं लोग जम्मू कश्मीर को। मैं एक सीधा आरोप लगाना चाहता हूं जम्मू कश्मीर को किसी ने लूटा है तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं लूटा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.